अस्सलाम वालेकुम नाजीम, आज हम बनाएंगे पाव भाजी मसाला। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2.5 टेबल स्पून साबुत धनिए, 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 8 साबुत लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 5 दालचीनी के टुकड़े तकरीबन 1 इंच, 20 लौंग, 2 तेज़पत्ते, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून नमक। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे साबुत धनिए, ज़ीरा और सौंफ। अब इन्हें थोड़ा कलर बदलने तक भून लेंगे। गैस मीडियम रखेंगे। ये भुनने लगा है, अब गैस हल्का करेंगे और इसको एक किसी बर्तन में निकाल देंगे। अब इस पैन में डालेंगे तेज पत्ते, लाल मिर्च, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग। अब इन्हें भी थोड़ा भून लेंगे। इसको भूनते वक्त गैस हल्का ही रखेंगे। ये भुन गया है, इसमें से भुनने की खुशबू भी आने लगी है। अब इसको भी निकाल लेंगे। अब इसे ठंडा कर लेंगे। ये ठंडा हो गया है, अब इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। अब ढक्कन खोलेंगे, इसे थोड़ा सा चलाएंगे, इसे फिर से थोड़ा और पीस लेंगे। ये पिस गया है, अब ढक्कन को धीरे खोलेंगे, थोड़ा आराम से पीछे हटकर ताकि धांस ना लगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, सौंठ, नमक और इन सबको मिलाकर भी अच्छे से पीस लेंगे। ये पिस गया है, अब इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। पाव भाजी मसाला तैयार है। आप इसे एयरटाइट डिब्बे में रखकर कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।